हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th 12th एग्जाम 2022 के ऊपर। गाइस, एक सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे? तो गाइस, आपका ये जो डाउट है आज की वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंडिंग में यानी कि लास्ट में आपको एक सरप्राइज देखने को मिलेगा जो कि आपको देखना जरूरी है, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि गाइज आपको पता है कि यहाँ पर जो हरियाणा है उसके अंदर 1 फरवरी से क्लास 10th से लेकर 12th तक के जो स्कूल हैं वो ओपन हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड की क्लासेज हैं, ठीक है, 11th को छोड़ के उनके जो स्कूल हैं वो ओपन किए गए हैं। ठीक है, अब ये क्यों किए गए हैं इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एग्जाम्स को देखते हुए स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो केंद्र सरकार ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूलों को खोलने के वास्ते एक नए मॉडल पर काम कर रही है। ठीक है, अब ये ज़्यादा मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो गाइस देखो, यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके स्कूल्स को खोल दिया है। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन क्लासेज को स्टार्ट कर दिया है 1 फरवरी से। तो गाइस देखो, धीरे धीरे यहाँ पर जो कोविड के केसेस हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होती जा रही है। ठीक है, और गाइज आपको पता है अगर सिचुएशन ठीक ठाक होगी तो फिर आपके एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल ऑफलाइन लिए जाएंगे। ठीक है, और अब तक जो गवर्नमेंट के यहाँ पर मन के अंदर है वो आपके ऑफलाइन एग्जाम्स ही कंडक्ट करवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने स्कूल्स को ओपन किया है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्लासेस के लिए, ताकि इनकी यहाँ पर जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे, इनकी प्रिपरेशन कम्प्लीट करवाई जाए और फिर इनके एग्जाम्स ऑफलाइन लिए जाएँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो गाइज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे वो 99% ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, हाँ, वो दूसरा सिनेरियो है कि अगर आगे चलकर जब आपके एग्जाम्स होने हैं उस टाइम यहाँ पर कोविड वगैरह दोबारा से आ जाए या फिर केसेस दोबारा से इंक्रीज हो जाएं तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपके एग्जाम्स बिल्कुल ऑफलाइन ही होंगे गाइज। ठीक है, ऑफलाइन की तैयारी करते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। तो ये तो हो गया आपका डाउट। अब बात करते हैं गाइज, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, हरियाणा बोर्ड के हैं, तो आपके लिए टीच विद दीप और एजुकेशन पार्टी दोनों चैनल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। टीच विद दीप भाई को आप जानते होंगे, उनका चैनल है, उनके चैनल के ऊपर आपको आज से ही आई थिंक 7 बजे शाम से क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। बात करूँ मैं मेरी, तो यार देखो अगर सच्चाई बोलूँ तो भाई अभी लाइव का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको वीडियोज़ को कम्प्लीट देखना है और सपोर्ट करना है दोनों के दोनों को। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आप लाइव क्लासेस के लिए आज शाम 7 बजे क्लास 12th के लिए आई थिंक वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर जा सकते हैं टीच विद दीप। ठीक है, और गाइज 10th के लिए भी वो आई थिंक दिन में स्टार्ट कर देंगे कल से। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप कमेंट करें कि कौन कौन स्टूडेंट आ रहा है और दोनों के दोनों चैनल्स को जरूर सपोर्ट करें। सो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ गाइज़, आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 99.99% ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो यार, यहाँ पर इस चक्कर में मत पड़ो भाई, ऑनलाइन हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, ये वो। गाइज इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपनी स्टडी यहाँ पर कंटिन्यू रखिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोज़ आ जाएंगी, लाइव सेशन भी रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा गाइज आपको बता दिया जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।